नाज़रीन आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। महमूद अख्तर नकवी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें मौकफ इख्तियार किया गया कि 20 फरवरी को वजीर आला हाउस सिंध में अमनो अमान के हवाले से एक इजलास मुनाकिद हुआ, जिसकी सदारत आसिफ जरदारी ने एक अजनबी शख्स की हैसियत से की। आसिफ अली जरदारी पार्टी सरबराह होने के बावजूद इजलास में शिरकत नहीं कर सकते। इजलास में शिरकत करके उन्होंने ऑफिशियल एक्ट 1923 की खिलाफ वर्जी की, लिहाजा उन्हें नाअहल करार दिया जाए। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार की जानिब से हल्फ की खिलाफ वर्जी पर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को बरतरफ करने का भी मुतालबा किया गया। नाज़रीन आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है।